हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर टू यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर. लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो आज यूनिट थर्ड है उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ें. देखो, यूनिट थर्ड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ. जो आपका यूनिट सेकेंड है ना, उसके तीन टॉपिक रह गए हैं. गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग सविता. जो अभी हम यूनिट टू करे थे ना, उसके दो तीन टॉपिक पढ़ने रह गए हैं. वो क्योंकि आज पीडीएफ उसका डिलीट हो गया था तो मेरे को लगा कि अगर आज मैं क्लास नहीं लूंगी तो एक दिन वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने आपकी जो यूनिट थ्री है वो शुरू कर दी है. ठीक है, गुड इवनिंग यशवंत, है ना. तो इसलिए मैंने आपकी यूनिट थ्री शुरू कर दी क्योंकि 2 दिन बाद हमारी यूनिट थ्री वैसे भी शुरू होने वाली थी और आज हम यूनिट जो वन है, यूनिट वन को, यूनिट थ्री को डिस्कस करेंगे. यूनिट थ्री हम कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें जो अपना टारगेट है वो अचीव करना है, और हमारा पहला जो टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. तब तक के लिए मुझे बता दो, अगर कल वाली क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है, कल वाली जो हमने कल लोच की भी थ्योरी करी थी ना, लोच की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो भी बता दो मुझे. बताओ बेटे, कल वाला जो थ्योरी हुई थी या जितनी भी हमारी थ्योरी हुई है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट किसी को या कोई और क्वेश्चन आपके मन में रेज हो रहा हो, आज एक तरीके से आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी है. ठीक है, क्योंकि आज हमारी ये ओरिएंटेशन क्लास है. इस ओरिएंटेशन इंट्रोडक्टरी क्लास में हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे अपनी यूनिट थर्ड क्लाइमेटोलॉजी का, और साथ ही साथ जो हमारा और बाकी जो सब्जेक्ट अभी तक हमारे हो गए, जैसे जियो मॉर्फोलॉजी और आपका सेकेंड यूनिट, तो उसमें से अगर आपको कोई डाउट है वो बता दो. और आज मैं आपको ना लास्ट में करवाने वाली हूँ, जो भी आपका जियो मॉर्फोलॉजी में इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म थे ना, उनकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ. जैसे मैंने लाइन लगवा के आपको प्रैक्टिस नहीं करवाए थे कि रिवर के द्वारा इरोजनल लैंड फॉर्म कौन से हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई है मैंने, तो वो भी लास्ट में मैं करवा दूंगी. ठीक है, ओके. तो अब ये स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले आपका ये जो स्क्रीन पे आपको शो रहा है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपका जो फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है. हाँ जी, रिवर के अलग बताऊंगी, विंड के अलग से पढ़ेंगे, ग्लेशियर के अलग से पढ़ेंगे, और आपका सी जो है कोस्टल वेव है उसके जो लैंड फॉर्म्स है इरोजनल डिपोजिशनल वे अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, और कास्ट के अलग से बताऊंगी, सारों के नाम जो है बताऊंगी, और वही आपको याद करने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब ये देखो, ये आपका क्या है, हम ऐसा करते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लेते हैं जिसमें हम ना अपना पुराना जो चीज है वो भी रिवाइज करते रहे, ताकि आप भी पुरानी चीजें ना भूलो, और मैं क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे और आप उसके रिप्लाई करना. ठीक है, आप यहाँ पे आंसर भी दे देना ताकि आपको भी अपना जो यूनिट है वो रिवाइज होती रहे साथ साथ. ठीक है ना, ओके. तो ये देखो, ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये आपका इंस्टाग्राम चैनल है. तो जो भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ा है वो इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको ना क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है एग्जाम से रिलेटेड, हर एग्जाम से रिलेटेड, पीएचडी एग्जाम हो, कोई किसी का एंट्रेंस हो, हर चीज के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है.
उसके बाद ये फिलर फॉर्म ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और चाहे फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स का बच्चा हो, ज्योग्राफी का हो, कॉमर्स का हो, और एजुकेशन का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, कोई भी, अगर वो मेरा ये कूपन कोड किरण10 यूज करता है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो उसको 10% का जो है क्या मिलेगा, 10% का उसको डिस्काउंट मिलेगा जरूर। तो किरण10 ये जो कूपन कोड है इसको बेटे यूज करना मत भूलना। उसके बाद ये फिलर फॉर्म ऐप है, इस फिलर फॉर्म ऐप पे आपको पेपर 1 पेपर 2 नेट की कोचिंग अवेलेबल है, आपको PDF दिए जाते हैं, लाइव क्लास आपकी होती है, MCQ की प्रैक्टिस भी आपकी होती है, MCQ की प्रैक्टिस आपकी नवंबर से शुरू होगी, और आपको नोट्स दिए जाते हैं। देखो पेपर 1 आपका इतने में है, पेपर 2 आपका इतने में है, और अभी आपको पता है कि ऑफ चल रहा है, वो ऑफ का जो आपका मैंने पे जो सब्सक्रिप्शन है कितने में, वो भी मैंने आपको सेंड किया है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, हमने ये जियो मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, और आप ये यूनिट भी है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, बस इसमें हमारा थोड़ा सा रहता है, 2-3 यूनिट, अच्छा 2-3 हमारे टॉपिक रहते हैं, उनको हम पता है कहाँ पे पढ़ लेंगे, उनको हमने ये सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला है आपका, वो यूनिट कहाँ है, ये पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी के साथ मैं आपको वे तीनों जो थ्योरी है ना वो करवा दूंगी। ओके, अब हम सीक्वेंस से चलेंगे, पहले क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, फिर ओशनोग्राफी, फिर आपका थॉट करवाऊंगी, और फिर एनवायरमेंट करवाऊंगी, और अगले महीने से हम ये दोनों यूनिट भी कर लेंगे। तो अब हमारा सबसे पहले होता है सिलेबस डिस्कशन की, हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी का नेट के पेपर में क्या सिलेबस है। देखो जो आपका ये आपका जलवायु विज्ञान यानी कि जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, क्लाइमेटोलॉजी में टोटल आपके नेट के पेपर में 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जब तक एक टॉपिक नहीं पता होगा, या आपको ऐसा कर देते हैं कि आपने शुरुआत के टॉपिक पढ़े नहीं और बस पीछे के ये टॉपिक पढ़ लिए, तो उससे आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, और जिसको कंसेप्ट क्लैरिटी है नहीं है ना, वो क्या है, वो पेपर में जो अजर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं वो नहीं सोल्व कर पाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हम हर टॉपिक को जैसे क्लास में लाइन वाइज पढ़ते हैं ना, ऐसे ही आपको हर टॉपिक को लाइन वाइज पढ़ना है, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी टर्म होती है जो आपकी तब क्लियर होती है जब आपका वो टॉपिक हो जाता है, और उसके बाद फिर उस टॉपिक के होने के बाद ही वो जो आपका कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में जो है या नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज होता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें ओरिजन कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमोस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल, वायुमंडल हमारी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ ये एटमोस्फेयर है, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल बहुत सारी गैसों का, वाटर वेपर्स का, और इन सब का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, और ये जो आपका वायुमंडल है ये आपके अर्थ से कैसे बंधा हुआ है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपका जो वायुमंडल है आपकी अर्थ से सटा हुआ है या बंधा हुआ है। और दूसरा एक और बात बता दूं, आपका ये जो एटमोसफेयर है ना, एक तरीके से आपका जैसे थैला नहीं होता, हम घर में पोलोथीन यूज करते हैं ना, ऐसा पोलोथीन जैसा है जो अर्थ के चारों ओर चिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, उसको बोला जाता है एटमोस्फेयर। तो वायुमंडल तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब आपको इस ओरिजन और कंपोजिशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि आपका ये जो वायुमंडल है इसका ओरिजन कैसे हुआ, यानी कि आपके एटमोस्फेयर में इतने सारे जो प्लैनेट्स है, साथ ही साथ जो वाटर वेपर है, जो गैसेस है,
ये कैसे इनका ओरिजन हुआ, क्या ऑक्सीजन पहले से थी, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से थी, ये पढ़ेंगे हम ओरिजन में। हम अर्थ के ओरिजन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर में हम देखेंगे कि हमारा जो एटमोसफेयर है वो किस किस चीजों से मिलके बना है। जैसे हमारा एटमोसफेयर किस से मिलके बना है, हमारे एटमोसफेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, आप बताओ। गैसेस मैंने बोल दी, आपका वाटर वेपर बोल दिया, डस्ट पार्टिकल बोल दिया। तो आपकी गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है, कौन सी गैस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कौन सी गैस का कंसेंट्रेशन कम है, उन गैस का जो फिजिकल जो केमिकल वैल्यू है, उनके केमिकल नेम भी आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नियोन है, हीलियम है, ज़ेनन है, और आपका मीथेन है, क्रिप्टोन है। तो बहुत सारी गैसेस है, इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करना है, यानी कि किसका परसेंटेज ज्यादा है और किसका परसेंटेज कम। तो ये तो हुआ आपका टॉपिक वन। उसके बाद आपका एटमोसफेयर का जो, उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर, कि हमारा एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर कैसे है, कितनी लेयर से मिलकर बना है। देखो हमारा एटमोसफेयर का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो एटमोसफेयर है वो देखो पांच लेयर से मिलके बना है। पहला है आपका, हमारा एटमॉस्फेयर पांच लेयर से मिलके बना है। सबसे पहली लेयर आपकी ट्रोपोस्फेयर, यानी कि आपका शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, और इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनसे मिलके बना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आप ये चीजें पढ़ोगे कि ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर पर क्या हाइट है, पोल पे क्या हाइट है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बिल्कुल। पेपर वन में है ना, ये जो आपका ओजोन है, पेपर वन में आपके ओजोन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है आपका एटमोस्फेरिक ओजोन और एक होती है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अगर मैं पेपर वन के अकॉर्डिंग बताऊ ना आपको, देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में 12 से 35 किलोमीटर के बीच में ये जो आपकी लेयर है, इसको बोला जाता है आपका ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर में है आपकी ओजोन, और इसका कंसेंट्रेशन याद रखना है किसके बीच में है, 12 से 35 किलोमीटर के बीच में आपका है ओजोन, ओजोन लेयर। देखो ये ओजोन आपका ना आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल ओजोन के, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं, और वो ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन होती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। आ गया समझ में? बताओ बेटे, कुछ समझ में आया? तो सेकंड टॉपिक में आप ये जो पांच लेयर है ना, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। उसके बाद आप जो सन से इंसोलेशन आता है उसके बारे में पढ़ोगे, इंसोलेशन के फैक्टर, और फैक्टर के साथ साथ आपके इंसोलेशन के कुछ क्या हैं, इंसोलेशन के फैक्टर आपको याद रखने हैं,
क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इंसुलेशन के आपको फैक्टर पढ़ने हैं, आपको ठीक है। उसके बाद क्या है, हम जो अर्थ का बैलेंस है, हाइट बैलेंस है, उसको हमें पढ़ना है। कैसे अर्थ अपने पे जो टेम्परेचर का बैलेंस है या हीट का बैलेंस है वो करता है, उसके बाद हमें पढ़ना है टेम्परेचर। देखो इंसोलेशन में और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस होता है वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये आपको पढ़ना है। टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है, है ना। उसके बाद फिर आपका जो फिफ्थ टॉपिक है उसमें आपको प्रेशर, यानी कि प्रेशर के साथ साथ आपको कोरियोलिस फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स और आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको जो विंड है, लोकल विंड आपका इसमें आएंगी, आपकी मॉनसून आ जाएगा, मॉनसून विंड, और आपकी जो ये सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, सीजनल, देखो सीजनल जो विंड है ना, सीजनल विंड में आती है आपकी मॉनसून, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज और आपका माउंटेन एंड वैली ब्रिज। लोकल ब्रिज में आती है आपकी जैसे शिनूक आ गई, फोएन, कमसिन, ये सारी आ गई। और जनरल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन में आपका जेट स्ट्रीम आ गई, ईस्टरली, वेस्टरली, पोलर विंड, ये आपको पढ़ना है जनरल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन में। कुछ मॉडल है कल जो लोच की थ्योरी का डायग्राम है वो नहीं समझ में आया, कौन से वाला समझ में नहीं आया आपको बेटे, डिमांड कौन वाला समझ में नहीं आया, उसमें आपके दो डायग्राम थे ना, डिमांड कौन और हेक्सागनल शेप वाले थे, दो ही थे। उसके बाद ये जो टॉपिक है वो है आपका ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन कैसे होता है, फिर जो आपका फिर कंडेंसेशन के बाद जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन आपका तीन रूप में होती है, यानी कि आपका या तो लिक्विड में या सॉलिड में, तो इसके फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद आपका आपका जो प्रेसिपिटेशन है वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। फिर एयर मास, बहुत छोटा टॉपिक है, एयर मास और फ्रंट आपके एक साथ होंगे क्योंकि एयर मास सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है, फ्रंट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जब तक आपको फ्रंट समझ में नहीं आएगा तो आप ये जो साइक्लोन है, जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, टेम्परेट साइक्लोन आपको समझ में नहीं आएंगे। जो दो डायग्राम थे उनमें क्या अंतर था बेटे, अभी समझाती हूँ। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोव, यहाँ से क्वेश्चन आया कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो है उसका क्या रीजन है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट पता है क्या होता है, जैसे है ना आपका एकदम से जो पानी है ना, एकदम से बहुत सारा पानी का रिलीज होता है, और ये जब मैंने आपको ग्लेशियर टॉपिक कराया था और उसमें जब टर्मिनल मोरेन टूटा था, तो टर्मिनल मोरेन के टूटने की वजह से आपका क्या आता है, बहुत ज्यादा पानी ऊपर से एकदम नीचे की तरफ आता है। जैसे आपका 2019-20 में हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, नंदा देवी के आसपास क्या है, उत्तराखंड में नंदा के आसपास क्या होता है, एक छोटा सा जो आपका टुकड़ा है ना, ये आपको देखो बहुत सारे ग्लेशियर है। ग्लेशियर में क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे ग्लेशियर है, तो क्या होता है ना आपका जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो यहाँ से क्या है, ये इनके बीच में गड्ढे हैं, ठीक है, ये आपके ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़, इनके बीच में नीचे वैली सी है, तो वहां पे यहाँ से जो पानी है ना वो जाता है और इसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, ये पानी इकट्ठा होता रहता है। तो कई बार क्या होता है, या तो आपकी कोई अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से ये पानी एकदम से बहुत सारा बह जाता है एक साथ अचानक से, या फिर आपका
कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या कोई प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, या कई बार ऐसा होता है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ना बर्फ का टुकड़ा था, ये बर्फ का टुकड़ा जब इसमें जा गिरता ना तो एकदम से ये टर्मिनल मोरेन टूट जाता है, और टर्मिनल मोरेन के टूटने की वजह से ये सारा पानी एक साथ नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से फिर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको थोनट्वेट का पढ़ना है, कोपेन का पढ़ना है, और आपके थोनबरी का पढ़ना है, ये तीन पढ़ने हैं। ठीक है, ये सिलेबस है, बताओ, ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस बिल्कुल नहीं है, 14 टॉपिक है आपका, मुश्किल से मुश्किल हम जो 7 से 8 दिन में हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज देखो हमारा 13 तारीख हुई है, तो कोशिश करेंगे कि 20 तारीख तक ये सिलेबस क्लाइमेटोलॉजी का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सिलेबस है। अब आप पूछ रहे हो कि मैम उस डायग्राम में क्या डिफरेंस था, तो डायग्राम ये था आपका, एक ये वाला डायग्राम था। ठीक है, या फिर उसको ऐसे बना सकते हो, यही डायग्राम था सविता, यही डायग्राम था ना। सविता बताओ, यही डायग्राम आपको नहीं समझ में आया था? इसमें ना कुछ भी नहीं है, ये दोनों सेम ही बात समझा रहे हैं। इसमें ये कहते हैं ये कोई बीच का एक पॉइंट है। ठीक है, ये कोई बीच का पॉइंट है जिसको हमने पी मान लिया, यानी कि ये आपका एक मार्किट एरिया है। तो जैसे जैसे हम इस मार्किट एरिया से दूर जाते हैं, और देखो ये आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे समझो ये आपका मार्केट है, और यहाँ पे आपका क्या है, क्वांटिटी की डिमांड है। तो यहाँ पे देखो मार्केट है ना, मेन मार्केट में जो आपकी क्वांटिटी है ना उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम मार्केट से दूर जा रहे हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, देखो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन जो उसके प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए था, यहाँ पे क्या हो गया, 20 रुपए हो गया। क्यों हो गया 20 रुपए? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगी, तो 10 रुपए की वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो गई, इसलिए प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो कम हो गया, ये बताया था डायग्राम में, और कुछ भी नहीं है डायग्राम में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, ओरिजन एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये अर्थ की लेयर देख लो, जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये अर्थ है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर, उसका स्ट्रक्चर है देखो। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, और ये आप सबसे बाद वाला है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में अभी किसी को कोई नॉलेज नहीं है, 99% हमें एक्सोस्फेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ ये जो हमारी 4 लेयर है इसके बारे में नॉलेज है। इस एक्सोस्फेयर के बाहर क्या है या एक्सोस्फेयर में क्या है इसके बारे में अभी साइंटिस्ट को जो अनुमान है वो कम है। अभी हमें ज्यादातर जो पता चला है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमें इन 4 लेयर की है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी कि मध्यन मंडल, थर्मोस्फेयर यानी कि आपका आयन मंडल। ठीक है, अब ये देख लो, ओरिजन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। सबसे पहले हम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझते हैं, हिंदी में देख लो, अर्थ एवं महत्व। देखो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी ग्रह के चारों एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है,
और वायुमंडल अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ से, अर्थ के चारों तरफ बेटे सविता पांच लेयर ही होती हैं, कहीं पांच लेयर नहीं, टोटल पांच लेयर ही होती है। डायग्राम में फिफ्थ लेयर का नाम नहीं है, पांच ही लेयर हैं। जब हम पढ़ेंगे तो पांच ही लेयर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम में यहाँ पे आपका एक्सोस्फेयर नहीं लगा लिखा हुआ, यानी कि बाह्य मंडल आपके पांच होते हैं टोटल, और पांच ही पढ़े जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, यानी कि शोभ मंडल, शमताप मंडल, मध्यन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये पांच होते हैं। चार कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, पांच ही होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये कहते हैं ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों, ये एक गैस का क्या है, एक गैस का गोला है जो अर्थ से बंधा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, और इसको बोला जाता है आपका वायुमंडल। और वायुमंडल आपका जैव मंडलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह जीव मंडल में सभी जीवन रूपों के निर्वाह के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सभी गैसें प्रदान करता है। यहाँ से आपका रीजन असर्शन का क्वेश्चन बनता है ये वाला, कि जो आपका एटमोस्फेयर एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम का, बायोस्फेरिक इकोसिस्टम का आपका बायोस्फेयर किससे मिलके बना है, बायोस्फेयर आपका तीन चीजों से मिलके बना है, हवा यानी के एटमोस्फेयर यानी के वायुमंडल से, दूसरा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी के पानी से, तीसरा लिथोस्फेयर, इन तीनों से मिलके आपका ये बायोस्फेयर बना है। अगर आपके इस बायोस्फेयर में लैंड नहीं होगी तो भी आपके एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, सिर्फ एनिमल्स पानी में, या हम पानी में तो नहीं रह सकते ना हमेशा, या कुछ एनिमल्स ऐसे भी जो पानी में नहीं रह सकते हैं, वो अपना लैंड पार्ट पे रहते हैं। ऐसे ही कोई भी जो है आपका, हवा के बिना, क्या सांस लिए बिना हम रह सकते हैं, सांस लिए बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, इसलिए जो एटमोस्फेयर है वो आपके बायोस्फेयर इकोसिस्टम का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी गैसेस जो इम्पोर्टेंट गैसेस है सांस लेने के लिए, जो जीवन दायिनी गैसेस है, वो आपकी एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि इम्पोर्टेंस है लाइफ को बनाए रखने के लिए, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका, आपको क्लियर हो गया होगा वायुमंडल क्या है और वायुमंडल आपका इम्पोर्टेंट क्यों है। अब आपका आगे है एटमोस्फेयर की हाइट, ये हाइट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है कि वायुमंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 16 से 29,000 किलोमीटर के बीच अनुमानित है, ये याद रखना। आपका कहीं पे एग्जाम में इस 16 की जगह 15 भी हो सकता है, 15 से 30 किलोमीटर भी हो सकता है, तो अगर वहां पे 15 से 30 किलोमीटर लिखा हुआ हो तो उसको टिक कर देना कि जो आपके वायुमंडल की हाइट है वो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है सी लेवल से, ठीक है। और ये एस्टीमेट क्या है, ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एटमोस्फेयर का 97% जो हिस्सा है वो 29 किलोमीटर तक ही कवर हो जाता है। 97% आपसे पूछा जाएगा कि 97% ऐसा अनुमान है कि 97% प्रभावी जो वातावरण है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है, उसके बाद जो 3% आपका बच जाता है वो ज्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने पांच इंपॉर्टेंट बातें बताई है, एटमोस्फेयर क्या होता है, और दूसरा एटमोस्फेयर बायोस्फेयर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ की सस्टेनेंस के लिए, उसके बाद मैंने बताया है कि आपके एटमोस्फेयर की हाइट 16 से 29 किलोमीटर है, उसके बाद हमने पढ़ा कि 97% जो आपका एटमोस्फेयर है इफेक्टिव है वो सिर्फ 29 किलोमीटर तक ही जो है इफेक्टिव है। यू गॉट इट? आ गया समझ में यहाँ तक? कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये तो।
उसके बाद आगे चलते हैं ओरिजन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी के हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ, कैसे उसमें शुरुआत में क्या चीज थी, बाद में क्या क्या चीज हुई। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति और विकास पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका जो ओरिजन हुआ है वो हमारी अर्थ के ओरिजन से बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत बाद में आपका बहुत बाद की तारीख में ऐसा हुआ था। क्या कहते हैं, द ओरिजन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद द ओरिजन ऑफ अर्थ बट एट मच लेटर डेट। ठीक है, ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति और विकास पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत बाद की तारीख में हमने ये जोड़ा था। और ऐसा माना जाता है कि हमारे ग्रह पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 4.5 और 5 अरब वर्ष पहले छोटे कणों के, अब ये बता रहे हैं कि आपके अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ की एज याद रखना 4.5 बिलियन ईयर एगो आपकी अर्थ का जो है ओरिजिन हुआ था। और कैसे बनी थी अर्थ, बनी थी आपकी छोटे छोटे ये पार्टिकल्स थे, रेत के कण थे, छोटे छोटे ऐसे रेत के कण थे एक तश्तरी में ऐसे गोल। ठीक है, और इसकी वजह से आपका क्या बना था, आपकी अर्थ बनी थी, जो कि आपका ये किसने बताया है, चैम्बरलिन ने बताया है, जो आपकी प्लैनेट सिस्मल हाइपोथीसिस है, यानी कि आपका हिंदी में भी प्लैनेट सिस्मल हाइपोथीसिस टीसी चैम्बरलिन ने दी है। हाँ जी, 4.5 मिलियन ईयर एगो आपकी जो अर्थ है उसका ओरिजन हुआ था। तो ये अर्थ के जो आपके ओरिजन है, अर्थ की एज आपकी 4.5 बिलियन ईयर एगो है, और आपकी अर्थ कैसे बनी है, छोटे छोटे आपके जो टुकड़े हैं, डस्ट पार्टिकल है, उनके एक साथ चिपकने की वजह से आपका अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, उसे बात कहते हैं। हाँ जी कास्ट, आपकी बहुत सारी थ्योरी है जो मैंने आपको करवाई भी है, जब जियोमॉर्फोलॉजी करवाई थी, अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड करवाई थी ना आपका जियोमॉर्फोलॉजी का, जो सबसे पहले टॉपिक हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था ना, तो उसमें पहले मैंने आपको करवाया था कि कौन से आपका जो ज्योग्राफर उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है। आपकी दो तरीके की थ्योरी थी, बाइनरी स्टार हाइपोथीसिस थी आपकी, सॉरी ड्यूलिस्टिक अप्रोच और मोनिस्टिक अप्रोच, यानी के द्वैतारक और अद्वैतारक। द्वैतारक यानी के जब आपकी पृथ्वी का ओरिजन दो तारों की वजह से हुआ हो, मोनिस्टिक यानी के जब पृथ्वी, जब हमारे ग्रहों का जो उत्पत्ति हो सिर्फ एक तारे की वजह से हुआ हो, और आपका ड्यूलिस्टिक जब आपके दो तारे की वजह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हो। ये मैंने आपको बताए थे और बहुत सारी थ्योरी के नेम बताए थे ना। हाँ जी बिल्कुल बताए थे मैंने। अब ये कहते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, द अर्थ एटमॉस्फेयर ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड थ्रू सेवरल प्रोसेस ऑफ गैसिंग एंड डी गैसिंग। ये कहते हैं हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो पता है कैसे बना है, कभी गैसों का एडिशन हुआ और कभी गैसों का रिमूवल हुआ है, यानी के पृथ्वी का वायुमंडल गैसिंग यानी के गैसों का योग और डी गैसिंग यानी के गैसों के हटने की कई प्रक्रियाओं की वजह से उत्पन्न हुआ और उसमें डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और ये कहते हैं इट हैज आल्सो बीन प्रूव्ड, और ये प्रूव भी किया जा चुका है दैट शुरुआत में जो हमारा एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो एनोक्सोजेनिक यानी के बिना ऑक्सीजन के था। पहले हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन जो है नहीं थी, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहले ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, वायुमंडल के पहले विकास चरण में गैर मौजूद गैसों में आपका आर्गन था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन थी, हीलियम नाइट्रोजन आदि शामिल है, और ये जो गैस है इन गैसों को कई जटिल भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समय समय पर वायुमंडल में जोड़ा गया था। जो आपका
फर्स्ट जो इवोल्यूशन स्टेज है ना एटमोसफेयर में, उसमें आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब आपकी शामिल थी। और ये जो गैसेस है ना, इन गैसेस को एटमोसफेयर में ऐड होने के लिए बहुत सारा जो कठिन जो आपका बहुत कठिन जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है ना, उसकी वजह से इन गैसों का आपका क्या हुआ है, एडिशन हुआ है एटमॉस्फेयर में। याद रखना, शुरुआत में आपकी ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में आपकी ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका है अकॉर्डिंग टू प्लेनेट सिस्मल हाइपोथेसिस, यानी के जो आपका टीसी चैम्बरलिन है उनके द्वारा द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का वायुमंडल दो स्रोतों से बना, यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना वो दो आपका जो सोर्स है ना उससे बना है, आपका अर्थ एटमॉस्फेयर दो सोर्स से बना है, एक्सटर्नल और इंटरनल। आपका इंटरनल में देखो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर वेपर है, नाइट्रोजन गैस सोर्सेस, इन सब से मिलके आपका क्या बना है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर बना है। अब एक बात बताओ, हमारी अर्थ पे जो दूसरा अनदर सोर्स है एटमॉस्फेयर में, ये जो मटेरियल्स है, छोटे गैसेस हैं, वाटर वेपर्स है, इनका सोर्स कहाँ पे है, अर्थ पे कहाँ से आया, अर्थ पे आया वोल्केनो के इरप्शन की वजह से। वो एक तो आपका सेंट्रल इरप्शन और एक फिशर इरप्शन है, इन दोनों इरप्शन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का जो है, गैसेस का एडिशन हुआ, वाटर वेपर का एडिशन हुआ, साथ ही साथ आपका और क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल है उसका भी एडिशन हमारे एटमॉस्फेयर में ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ। उसके बाद कहते हैं ऑक्सीजन वाज थस प्रोवाइडेड बाय वोल्केनिक इरप्शन, ऑक्सीजन भी हमें जो है, ऑक्सीजन भी जो हमें है वोल्केनो के फटने की वजह से प्राप्त हुई है। लेकिन कहते हैं बट देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, लेकिन ये कहते हैं साइंटिस्ट ने जो आपके टीसी चैम्बरलिन ने और मोल्टन ने ऑक्सीजन का एडिशन की जो बात की है वो आपके साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी है, ठीक है। किस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट से ऑक्सीजन प्रदान की गई थी, लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उत्पत्ति के बारे में उनकी व्याख्या कई विद्वानों को स्वीकार्य नहीं थी। अब उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ हॉट ओरिजन ऑफ द अर्थ, यानी के प्रारंभ में पृथ्वी की गर्म उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में आपका क्या था, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सारे थे। तो इसमें कहते हैं कि ये बिलीव किया जाता है बिना डाउट के कि शुरुआत में हमारे एटमॉस्फेयर में कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, अर्थ के ओरिजिनल एटमॉस्फेयर में जो आपका मोलिक्यूलर ऑक्सीजन थी ना वो प्रेजेंट थी, वाज प्रोबेबली फॉर्म्ड। वो कैसे बनती थी, जब आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती थी ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो आपके ऑर्गेनिज्म करते थे, तो वे क्या करते थे, वो स्प्लिट कर देते थे वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट सेल से, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये आपका है ना, जो प्लेनेट सिस्मल हाइपोथेसिस में इन्होंने ये बात करी ना कि ऑक्सीजन वोल्केनो के इरप्शन की वजह से अर्थ पर आई है, ये वाली बात साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की बेटे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है इज सपोज टू हैव टेकन प्लेस, दो प्रोसेस से आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो है एडिशन हुआ है, फोटोकेमिकल डाइसोसिएशन एंड फोटोसिंथेसिस, बस, यानी कि फोटोकेमिकल डाइसोसिएशन और प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही आपका क्या हुआ है, एडिशन हुआ है।
ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन बेटे, क्योंकि एकदम से कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैंने कर दिया था, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये आ गया समझ में आपको। अब आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं हम, यानी कि आपकी वायुमंडल की संरचना कैसे है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर किस किस चीज से मिलके बना है। बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, गैस से, वाटर वेपर से और एरोसोल्स से। एरोसोल क्या होते हैं आपके, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना वो कैसे दिखेंगे, आपने कभी देखा है जब आप सुबह सुबह देखते हो तो ये विंडो है और विंडो से थोड़ी सी रोशनी आ रही है और उस रोशनी में सूर्य की भी लाइट पड़ रही है और आपको उसमें छोटे छोटे जो है ना पार्टिकल्स दिखते से मिलते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ये कभी देखा है आपने, कभी देखा है आपने, बताओ ये टिंडल इफेक्ट। ये छोटे छोटे है ना, आपको जब हवा, ये सुबह सुबह जब हम देखते हैं ना और रोशनी आती है तो उसमें ना छोटे छोटे आपको रेत के कण दिखते हैं, वो होते हैं आपके माइन्यूट पार्टिकल्स। और ये माइन्यूट पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से नहीं दिख सकते हैं, ठीक है, हमारे पूरे रूम में, पूरे घर में होते हैं वो इतने माइन्यूट पार्टिकल्स, बट क्योंकि हमें दिखते ही नहीं है वो, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपकी गैसेस देखो, द गैसेस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपकी दो तरीके की गैसेस होती हैं, एक होती है कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस और दूसरी होती है वेरिएबल गैसेस। कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो एटमॉस्फेयर में चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.08% है, ये आपकी एक स्टेबल गैस है, इसका जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है आपका, 21% है ऑक्सीजन का, इसका भी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अब रेशियो चेंज हो रहा है, ये 0.0009 थी, 0.00009, अब ये क्या है, ये बढ़ रही है और 1850 से लेके अब तक इसमें 30% से अबव जो इसका रेशियो है वो बढ़ा है, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद आपकी है वेरिएबल गैसेस। अब वेरिएबल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं जो वेरी करती है, यानी कि जिनमें चेंज होता रहता, जो चेंज होती रहती है उसको बोला जाता है आपका वेरिएबल गैसेस, ठीक है, आया समझ में। तो ये कहते हैं द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर, जो आपके वायुमंडल में गैसेस हैं, हवा है, उसका सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था,
1752 में स्टडी की गई थी, और उसके बाद जो आपका नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस को किसने खोजा था? आपके रदरफोर्ड ने, 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस का डेवलपमेंट या नामकरण किया था, उसको खोज कर दिया था। और इसलिए जो आपका नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का को आपका मेफ्टिक एयर भी बोला जाता है, याद रखना, नाइट्रोजन गैस को मेफ्टिक एयर भी बोला जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किसने कवर की है? जोसेफ प्रिस्टली ने, और ये कब डिस्कवर किया है? 1874 में। ये कहते हैं जोसेफ प्रिस्टली ने तो आपकी ऑक्सीजन गैस डिस्कवर की, और सबसे लास्ट में 1874 में जो गैस का डिस्कवर हुआ है वो हुआ है आर्गन गैस का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1752 में आपका वायुमंडल गैस की खोज की थी, 1772 में आपके रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, और नाइट्रोजन को मेफ्टिक एयर भी बोला जाता है, और उसके बाद आपका जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस का क्या किया था? ऑक्सीजन गैस का नामकरण किया था आपके जोसेफ प्रिस्टली ने। और 1874 में आपकी सबसे लास्ट जो गैस डिस्कवर हुई थी उसका नाम है आपका आर्गन। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या है? यहां तक आपका है ये हम ने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? आप कॉपी खोल के बैठ जाओ, और आपके जो इरोजनल और जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो सबसे पहले हम किसके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिवर के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रिवर के द्वारा जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाए गए हैं, इधर लिख लो इरोजनल और इधर लिख लो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जल्दी से। लिख लिया बेटे, लगा ली लाइन। बताओ जल्दी से। बेटे यस नो में रिप्लाई क्या करो ताकि मैं आगे चलूं। जल्दी से निकाल लो ना कॉपी, जल्दी से निकाल लो। अब लिख, अब इसकी रिवीजन करते हैं ना कि जो आपका फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें से कौन से लैंडफॉर्म इरोजन से बने और कौन से डिपोजिशन से। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं सुन पाए तो मैं ये बोल रही हूँ अजय कि जो अपने नोट्स वाली कॉपी है वो निकाल लो और वहां पे लाइन लगा के लिख लो, रिवर के द्वारा लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म और फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बीच में लाइन लगा लो, एक साइड लिख लो इरोजनल लैंडफॉर्म, एक साइड लिख लो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब जो आपके रिवर के द्वारा सबसे पहला जो इरोजनल लैंडफॉर्म है उसका नाम है आपका वी शेप
वी शेप वैली। ठीक है, अब दूसरा लिखो। दूसरा है आपका गोर्ज। गोर्ज के बाद लिखो कैनियन। उसके बाद लिखो गोर्ज कैनियन के बाद लिखो वॉटर फॉल, यानी कि आपका जलप्रपात। उसके बाद लिखो आपका पोर्ट होल के बाद लिखो आपका प्लंज पुल। प्लंज पुल के बाद लिखो आपका रिवर टेरेस। रिवर टेरेस के बाद लिखो मीएंडर। मीएंडर के बाद लिखो पेनी प्लेन। ये आपके इरोजनल लैंड फॉर्म है, एक बार साफ राइटिंग में लिख देती हूँ। ये ऐसे लाइन लगाई और इधर लिखो इरोजनल लैंड फॉर्म। इरोजनल लैंड फॉर्म में सबसे पहला है आपका वी शेप वैली। वी शेप वैली के बाद लिखो आपका गोर्ज। गोर्ज के से बड़ा क्या है आपका गोर्ज के बाद लिखो आपका कैनियन। कैनियन के बाद आप लिखो वॉटर फॉल। वॉटर फॉल के बाद लिखो आप पोर्ट होल के बाद लिखो आप प्लंज पुल के बाद लिखो आप स्ट्रक्चरल बेंच। और आपका उसके बाद है आपका रिवर टेरेस के बाद है आपका मिएंडर। MENDER मिएंडर। मिएंडर के बाद है आपका पेनी प्लेन। ठीक है, ये आपके क्या है इरोजनल लैंड फॉर्म है। अब आप आ जाओ आपके डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में जो आपका सबसे पहला है वो है आपका एल्यूवियल फैन, यानी कि आपका जलोढ़ पंख। उसके बाद है आपका एल्यूवियल कोण, यानी कि जलोढ़ शंकु। उसके बाद है आपका नेचुरल लिवाइस, यानी कि प्राकृतिक तटबंध। उसके बाद है आपका फ्लड प्लेन्स, यानी कि बाढ़ के मैदान। और लास्ट में है आपका डेल्टा। ये आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। बताओ सबको क्लियर हो गई ये लैंडफॉर्म्स?
ये आपके लैंड फॉर्म है, जो रिवर इरोजन की वजह से जो लैंड फॉर्म बनते हैं वो, और डिपोजिशन की वजह से जो लैंड फॉर्म बनते हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स, यानी के समुद्र की जो वेव्स हैं उसकी वजह से जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं। अब आपके यहाँ पे है इरोजनल लैंडफॉर्म और यहाँ पे है आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला है आपका क्लिफ, क्लिफ यानी कि आपका भृगु, हिंदी में इसको बोलते हैं भृगु। उसके बाद है आपका केव यानी कि गुफा। उसके बाद है आपका स्टैक, स्टैक हो जाओ सबसे छोटा आपका हो जाता है। उसके बाद आपका नेचुरल, नेचुरल ब्रिज यानी के प्राकृतिक तटबंध। उसके बाद है आपका ब्लो होल्स, ब्लो होल्स के बाद है आपका ग्लाउक, ग्लाउक के बाद है आपका जियो। ठीक है, और आपका है वेव कट प्लेटफॉर्म, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अब आपका ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले है आपका बीच, बीच के बाद है आपका कस्प बीच। उसके बाद है आपका बार्स एंड बैरियर्स यानी के रोध, रोधिका। आपका लूप है, आपका टोम्बलो है, लूप टोम्बलो, आपका स्पिट है, स्पिट के बाद आपका हुक है। हुक जब कई सारी हुक बन जाते तो उसको बोला जाता है कंपाउंड हुक यानी के मिश्रित हुक। उसके बाद है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये कोस्टल वेव के द्वारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो है। आया बेटे समझ में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको जो है ना बस ये दो ही याद रखने हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम दो और करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दो और कौन से करेंगे, हमने रिवर के और कोस्टल लैंडफॉर्म तो हमने कर लिए, रिवर के और कोस्टल लैंडफॉर्म तो कर लिए। अब हमारे रह गए हैं हवा के द्वारा जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर के द्वारा इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बच गए, और हमारे और कौन से बच गए, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल की वजह से जो लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं इरोजनल डिपोजिशनल, वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? तो चलो बेटे, अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो अब हम सेकंड टॉपिक सॉरी फर्स्ट टॉपिक जो है अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे और सेकंड टॉपिक भी हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसका जो टाइमिंग है वो वही है, आपको जो आपको जो मैसेज है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बेटे आप क्लास लीव कर सकते हो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास आपकी 8, 8:10 पे ऐसे ही शुरू होगी।